सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये शौक शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और माशाल्लाह से आज 10वां रोज़ा है और आज देखते देखते एक अशरा ख़त्म हो जाएगा, तो बस अब इसकी अब तैयारी का करूँगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देगा, चैनल के सब्सक्राइब कर देगा इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा और जिन्होंने ना भी कहा, अल्लाह ताला सबकी दिली हाजतों को पूरा अता फरमाए, सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर गम को दूर अता फरमाए, रहमतें बरकतें नूर अता फरमाए, हर मुश्किल को हर परेशानी को दुख तकलीफ को दूर अता फरमाए, उम्र और हज के इस माह रमज़ान के सदके शहादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, थैंक यू। बस इसके बाद अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अफ्तारी का करूंगी। आज अफ्तारी का ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, हस्बैंड भी नहीं है और अली भी नहीं है, तो बस पढ़ लूँगी। अब मैं अपनी अफ्तारी का कर रही हूँ, अफ्तारी का मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगी। जब मैं देख कर आई, मैं वापसी आ रही और ये देखें अफ्तारी आई है। आज मैंने सोचा था मैं अपने लिए अफ्तारी नहीं बनाऊंगी क्योंकि दाल रखी हुई थी। आज पता है क्या हुआ, सेहरी में ही ना मैं जैसे कि रखा और थोड़ी देर बाद अजान होने लगी, तो आज मेरी सेहरी ही नहीं हो सकी सही मानो तो। उधर से खान में चाय नहीं आना करी, टाइम बहुत कम है और मैं वो भी नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं रोटी वही खा लूँगी, मैं देखी उठ गई छोरी जी जेनू आओ हाथ धुलाऊँ, जो भी आ रही हूँ हाथ धोने के लिए आ चलिए। अब अपना पराठा है, मैंने बस इतना सा तोड़ा था, बाकी जैनब ने तोड़ा था, इतना सा तोड़ा था और ये देखिए निवाला मैंने वापसी फिर रखा अपना, क्योंकि अजान का टाइम खत्म हो गया था, वो सॉरी सहरी का टाइम खत्म हो गया था। ये भी रख दूँ हाथों हाथ, पहले मैं जलेली से ना रख दूँ, फिर मैं आपको मुँह दिलाती हूँ बेटा, क्योंकि अब सारी का टाइम होने वाला, क्योंकि अकेले में क्या करे बंदा अपने लिए। चलिए आओ आके बैठो, आप ही बैठो, मैं दाल लेकर आऊँगी, अभी लाई नहीं, इधर आ जाओ आ जाओ आ जल्दी साहब। मर्जी का ले लो जो लेना, जिन को क्या खाना है अब ये ले लो, मैं दाल लेकर आ रही सही से भी हुई नहीं, दोनों ऐसे करती ऐसे कर ली क्योंकि अभी मुझे इसको ज़्यादा ईशा की भी करनी है, बस मैं जान बस यहाँ नहीं रखती उधर रखती, और मैंने ना लाइट भी खोलना भूल गई थी, तो अब यहाँ की लाइटें खोल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रोज़ा भी पूरा हो गया कम्प्लीट, तो
मतलब क्या हो गया, लूज लूज तो हो रहा है लगता। हाँ कितना प्यारा है, चाय निकाल दूँगी। अच्छा आज की पहली राह बनाने का रीज़न ये था कि मुझे खाता नहीं और पड़ी हुई थी तो इस वजह से मैं बनाई थी। अब हस्बैंड भी उठ गए, अब चाय निकालती, दाल गए हस्बैंड, चाय निकालती। माशाल्लाह से चाय भी बन गई। अभी हस्बैंड फिर चले जाएंगे, अभी आए, मैंने कहा चलिए से चाय बना लेती हूँ। इफ्तारी में तो उन्होंने कुछ नहीं करा, अभी समोसा मैंने नहीं खाया था, वो मैंने दे दिया, और खाना मैंने भी नहीं खाया, मैंने सोचा था मैं खा लूँगी, अब इफ्तारी आ गई, ये खाना फिर ऐसे ही दे दिया। तभी वापसी थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे बाद खा लूँगी। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सोचते हम ये नहीं खाएँगे वो नहीं खाएँगे, अल्लाह ताला हमारे लिए नेमतें कंज्यूम कर देता है। फ्लाइंग कर रही है, चलो जाओ कपड़े चेंज करो। पापा जा रहे हैं, दोनों को थोड़ा सा बाहर तो घुमा दो, रेनू का भी देखो मैंने गंगा किया था दोनों के बाल, फिर वो गए। अच्छा मेरी बहन के बाल भी ना बचपन में कर ली थे, नूर के भी थे ना कर ली है, नूर के स्ट्रेट थे तुम्हारे थे समझी, शायद इसकी पप्पो और खाला दोनों के बाल कर लिए थे, ये कह रहे नहीं पप्पो के नहीं थे तो खाला के इनके थे। चले उठ जाए, मैं बिस्तर समेटूँगी, साफ करूँ ये वाला कमरा, तो कमरा साफ है, फिर ये एडजस्ट सही करूँगी। मैं सो रही थी जैनब रूम में, देर में उठे बच्चे से नमाज पढ़ी है, गर्म करा सालन, वो फिर अब तैयारी भी आ गई। ये देखो उसने वो कपड़ा निकाला भी, तो मैं उसकी फ्रॉक के लिए लेकर आई थी, सारा उसने फैलाया वहाँ पर। मैंने चने की दाल निकाल दी है, रोटी भी बना ली थोड़ी एक और, फिर हस्बैंड भी खाना खा लेंगे और बस अब खाना खाएंगे, फिर दोबारा से ये चाय बन रही है, फिर चाय पियेंगे, फिर बाकी के काम नहीं क्योंकि बर्तन तो है नहीं इतने, बस आज मैं थोड़े दूसरे काम करूँगी। और माशाल्लाह से ये कचरा ख़त्म हुआ, इतनी जल्दी आया पता ही चला गया, तो कहते थे रमज़ान आ रहे रमज़ान आ रहे, और ये आके भी अब एक अशरा चला गया। बस अल्लाह ताला हमारी मगफरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और जो बच्चा है अभी रमज़ान हमारे लिए, हमें मस्जिद इसमें वैसा काम करने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए जो अल्लाह को उसके रसूल को पसंद है। आमीन। मैं बैग गई हैं, चलो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं बच्चे को लेके, क्योंकि ज़ैनब को लेके क्योंकि अली तो है नहीं, पूरा घर सूना सूना हो रहा है, अभी मैं ऐसे ही रख के मोबाइल को अपनी चीज़ें ली हैं और आते के साथ ही बस सारी गिरा दी इसमें। हाँ हाँ नहीं ले रही, ये जैनो अपनी चीज़ें लेकर आई हैं, और मैंने ये लिया है पिज़्ज़ा, मतलब मैंने नहीं लिया हस्बैंड ने लिया, या नया खुला है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते अच्छा है नहीं है। जैनू ने पहले ही मुँह में रख लिया अपने, केचप वहाँ से ला दो, यम्मी सा है। अब अली आ जाएंगे ना, फिर अली को लेके जाऊँगा। जैनू मजे का, मजे का, यश या नो, जैनू यश या नो, जैनब
क्या सोच रहे हैं? पहले हस्बैंड शौक से नहीं खाते, तब खाने लग गए है ना घर में आने से। अली बहुत लेकर आता है, पापा के हाथ जिद करके जाता है। मेनू दे दो, चीज दे दो, चीज दे दो, ले लूं मैं, ले लूं मैं, ले लूं मैं, ले लूं। मेरे को ये दे दो, ये बिक्की मैं खाऊंगी। अली कहाँ है? अली नहीं है, भाई नहीं है, कहाँ गया? आगे बैठती इसके बाल और खड़े हो जाते हैं हवा से। अली कहाँ है? नहीं है अली, अली छोड़ के गए वजह इनू को नानू के है। नहीं है ना है? अली को काटोगी? ये अली को दे दूँ? अली को दे दूँ? कहाँ है अली? बुला अली को, आवाज़ दो। अली भाई नहीं आया, ये ले लो ये अली के लिए। पता नहीं इतवार को आएगा। मैं क्या हुआ क्या हुआ? बच्चों की चीज़ खाने में हम अभी भी बड़े एक्सपर्ट। इसकी रोज़ की इन दोनों की चीज़ आती है इसकी। सॉरी सॉरी, तो आज तो कुछ भी नहीं है, है ना?